बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर में मौजूद 10 मरला कैटेगरी के रेजिडेंशियल प्लॉट्स के रेट्स के हवाले से आज की वीडियो में आपको अपडेट करूंगा और वहाँ पे मौजूद कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस, और कौन कौन सी ऐसी ऑप्शन हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं एज अ रेजिडेंशियल पर्पस। कुछ इस हवाले से आज की वीडियो में आपको अपडेट करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, सीडीपी प्रॉपर्टीज़ कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ से मैं हूं अली हैदर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर के हवाले से। बहरिया ऑर्चर्ड में मौजूद 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स के हवाले से आज की वीडियो में मैं आपको अपडेट करूँगा, रेट्स के हवाले से आपको अपडेट करूँगा, किस किस एरिया में आपको बहरिया ऑर्चर्ड के 10 मरला कैटेगरी के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं और उन स्पेसिफिक एरियाज़ में अभी क्या करंट प्राइसेज चल रही हैं, कुछ इस हवाले से आज की वीडियो में मैं आपको अपडेट करूँगा। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ वन से। बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ वन में आपको काफ़ी क्वांटिटी में जो है वो 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट मैं कहूँ तो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ वन में सबसे ज़्यादा जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं वो 10 मरला कैटेगरी के हैं। उसके बाद जो है वो 8 मरला है, फिर देन 5 मरला, फिर देन 1 कनाल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10 मरला के हवाले से है। तो सबसे पहले मैं आपको रेट्स के हवाले से अपडेट करता चलूँ। रेट से पहले मैं आपको ब्लॉक्स के हवाले से बताऊँगा। बहरिया ऑर्चर्ड का जो फेज़ वन है उसमें 4 ब्लॉक आपको मिलते हैं, नॉर्थन, ईस्टर्न, सेंट्रल और साउथर्न ब्लॉक। ठीक है जी, इनको जो अप्रोच है वो मेन डायमंड रोड से अप्रोच है, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 से आप डायरेक्टली बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 को आप अप्रोच कर सकते हैं। बहरिया ऑर्चर्ड के नॉर्थन ब्लॉक में जो आपको 10 मरला का रेट मिलता है वो मिलता है तकरीबन 78 लाख से लेकर ऑनवर्ड आपको 1 करोड़ 15 लाख रुपये तक। तो यहाँ पे आपको 10 मरला का रेजिडेंशियल प्लॉट मिलता है, डिपेंड ऑन लोकेशन प्लॉट्स हैं। ठीक है जी, और इसी तरह से नेक्स्ट अगर बात करूँ सेंट्रल की, तो सेंट्रल ब्लॉक में आपको तकरीबन 1 करोड़ 8 लाख से लेकर ऑनवर्ड 1 करोड़ 25 लाख तक जो है आपको यहाँ पर प्लॉट मिलता है 10 मरला का रेजिडेंशियल प्लॉट। डिपेंड ऑन लोकेशन प्लॉट्स की प्राइस जो है नॉर्मली वेरी कर रही होती है। और इसी तरह से साउथर्न और ईस्टर्न भी सेम सिनेरियो, तकरीबन 1 करोड़ 10 15 के अराउंड आपको इजीली यहाँ पर 10 मरला का रेजिडेंशियल प्लॉट मिल जाता है। यहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा होने की वजह यह है कि बहरिया ऑर्चर्ड का वाहिद ये एरिया जो कि अभी तक एलडीए अप्रूव्ड है। ना सिर्फ एलडीए अप्रूव्ड है, मैक्सिमम यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन लेवल मिलता है और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको मैक्सिमम जो है वो फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, जिसमें बहरिया का अपना स्कूल है, हॉस्पिटल है, मस्जिद है, पार्क है, सिनेमा है, ईच एंड एवरीथिंग फैसिलिटीज़ आपको सारी की सारी, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको कमर्शियल मार्केट सारी की सारी आपको ये फैसिलिटीज़ बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ वन में मिलती हैं। और इसी के साथ साथ तमाम यूटिलिटीज़ भी आपको यहाँ पर मिलती हैं, जिसमें बिजली, पानी और गैस। जी हाँ व्यूअर्स, बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ वन ये वो फेज़ है जहाँ पर सिर्फ पूरे के पूरे बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ वन में आपको गैस मिलती है। इसी तरह से सेफ सिनेरियो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2, 3 एंड 4 की बात करूँ, लेकिन अभी वहाँ पर गैस अवेलेबल है, एक्सपेक्टेडली इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगी, लेकिन अभी सिर्फ बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ वन में आपको गैस मिलती है और वही अभी तक जो है वो एलडीए से अप्रोच हुआ फेज़ है। तो 10 मरला कैटेगरी की आज मैं बात कर रहा था। तो नेक्स्ट जो फेज़ वन के अलावा जिस फेज़ में आपको 10 मरला कैटेगरी मिलेगी वो है जी बहरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4। इसी बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 गेट नंबर 2 के बिल्कुल ऑपोजिट पे आपको गेट नंबर 4 मिलता है, जिसको जी फेज़ 4 कहा जाता है। बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 जिसकी लोकेशन भी बिल्कुल मेन ड्राइवन रोड के ऊपर है, गेट नंबर 4 भी बिल्कुल मेन ड्राइवन रोड के ऊपर जो है लोकेट कर रहा है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फेज़ 4 में मौजूद 10 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स की, तो वो आपको मिलते हैं G3, G4, G5 और G6 ब्लॉक में। बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में तो वैसे आपको तकरीबन 6 ब्लॉक्स मिलते हैं, जिनमें G1, G2, G3, G4 और G5 ब्लॉक है, लेकिन G1 और G2 ब्लॉक टोटली सारे के सारे जो है वो 1 कनाल कैटेगरी के रेजिडेंशियल प्लॉट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, और G1 में कुछ 5 मरला ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, लेकिन G3, G4, G5 और G6 टोटली जो है मैक्सिमम क्वान्टिटी में यहाँ पर आपको 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिल जाएंगे। और पूरे बहरिया ऑर्चर्ड में सबसे ज़्यादा जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं 10 मरला के, वो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में ही आपको मिलेंगे। ठीक है जी, और अभी यहाँ पे जो करंट रेट की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम जो आपको बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में 10 मरला का रेजिडेंशियल प्लॉट मिलेगा वो तकरीबन आपको मिलेगा 60-65 लाख रुपए में, और ऑनवर्ड 1 करोड़ 15-20 लाख रुपए तक यहाँ पर भी रेट्स हैं करंट। उसकी वजह यह है कि काफ़ी फास्ट टाइप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लेवल जो बेहतर हो रहा है, तकरीबन 85-90 से लेकर ऑनवर्ड 1-15-20 तक आपको जो प्राइस ब्रैकेट मिलती है ये मिलती है G3 ब्लॉक में और G4 ब्लॉक में। क्यों? उसकी वजह यह है कि फेज़ 4 के सबसे पहले दोनों ब्लॉक्स हैं जो कि 10 मरला के स्टार्ट हो रहे हैं, देन आगे फिर G5 और G6 में। अप्रोच वाइज, कंस्ट्रक्शन वाइज सबसे ज़्यादा जो बेहतर ऑप्शन है वो G3 और G4 ब्लॉक है। G4 ब्लॉक इसलिए ज़्यादा कंसिडरेबल है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 का वाहिद एक है पार्क टुपेडी गार्डन, जो कि इसी बहरिया ऑर्चर्ड G4 ब्लॉक में फंक्शनल है। पार्क तो अभी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो ऑपरेशनल पार्क है वो सिर्फ अभी G4 का टुपेरी गार्डन है, जिसको प्रॉपर तरीके से डेवलप किया गया और ऑपरेशनल किया गया। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ G5 और G6 की, G5 और G6 ब्लॉक में आपको 60-65 लाख रुपये से लेकर ऑनवर्ड 90 लाख रुपये तक यहाँ पर आपको ईजिली 10 मरला का रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिल जाता है। डिपेंड ऑन लोकेशन नॉर्मली जो रेट्स वेरी कर रहे होते हैं, और ये भी एरिया काफ़ी अच्छा और बेहतर एरिया है। अगर आप लो बजट में रहते हुए किसी बेहतर अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं
तो आप पैडी ऑर्चर्ड के G5 और G6 लॉट को कंसीडर कर सकते हैं एज अ रेजिडेंशियल पर्पस। उसकी वजह यह है कि पैडी ऑर्चर्ड G5 को, पैडी ऑर्चर्ड फेस 4 के G5 लॉट को अगर हम देखें, तो आपने अगर फिजिकली उसको विजिट किया तो आपको आइडिया होगा कि कंस्ट्रक्शन लेवल वहाँ पे सबसे ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर डिफरेंट डिवेलपर्स की तरफ से घरों की डील दी गई थी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, जो कि ऑलमोस्ट पोजेशन के करीब है, काफ़ी फास्ट स्टेप पे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही है, जिसकी वजह से मैक्सिमम क्लाइंट्स जो है वो उसको कंसिडर कर रहे हैं। और उसी तरह बैरी ऑर्चर्ड फेस 4 के G6 ब्लॉक में घरों की डील गई थी सफारी होम्स के नाम से, जिनकी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर काफ़ी फास्ट स्टेप के ऊपर चल रही है, और इसी वजह से बैरी ऑर्चर्ड के G6 ब्लॉक को भी काफ़ी क्लाइंट्स जो है वो कंसिडर करते हैं एज अ रेजिडेंशियल पर्पस। नॉर्मली जितने भी क्लाइंट्स हैं वो उसी स्पेसिफिक एरिया को कंसिडर कर रहे होते हैं जहाँ पे उनको मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन लेवल मिले, और नॉर्मली ज़्यादातर ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं जो कि अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है नॉर्मली ऑप्शंस देख रहे होते हैं। तो जिन क्लाइंट्स का बजट बेहतर है, बेहतर अप्रोच के साथ, बेहतर कमर्शियल एक्टिविटी, बेहतर फैसिलिटीज़ के साथ जो जाना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी है जी बैरी ऑर्चर्ड का फेस 1, जो कि एक हाई बजट ज़रूर आ जाता है लेकिन उसमें फैसिलिटीज़ आपको इतनी ज़्यादा मिल जाती हैं, तो आपको वो हाई बजट, आपको इतनी अमाउंट, बड़ी अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करने का दुख नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ इतनी बेहतरीन मिल जाती हैं LD अप्रूवल के साथ साथ, तो आपको जो है एक बेहतर कम्युनिटी वहाँ पे आपको मिल जाती है और कंस्ट्रक्शन लेवल वहाँ पे बहुत ही कमाल का आपको मिल जाता है। नेक्स्ट अगर बात करूँ थोड़ा सा, अगर बजट कम में आप देख रहे हैं तकरीबन 1 करोड़ माइनस में किसी बेहतर लोकेशन के प्लॉट्स, तो वो G3 और G4 ब्लॉक है, इनको आप कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट पे अगर बहुत ही मिनिमम आपका बजट है और बैडी ऑर्चर्ड में आप कोई 10 मरले का प्लॉट परचेज करना चाहते हैं और किसी बेहतर लोकेशन पे भी परचेज करना चाहते हैं और लो बजट में करना चाहते हैं, तो फिर G5 और G6 ब्लॉक को आप कंसीडर कर सकते हैं एज अ रेजिडेंशियल पर्पस। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में कोशिश किया कि ओवरऑल बैडिया ऑर्चर्ड के जितने भी 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, जिन जिन ब्लॉक्स में हैं, जिन जिन फेसिस में आपको डिटेल जो है वो अपडेट किया जा सके, और उसी के साथ साथ आपको मैंने रेट्स के वाले से भी अपडेट किया। इसके अलावा फिर भी मजीद आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो 10 मरला प्लॉट से रिलेटेड, आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे नोट पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, इट्स www.cdrealestate.com। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।